नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल इंडिया. इट्स न्यू इंडिया, इनफैक्ट इट इज सर्वेलांस इंडिया. टिकटॉक बैन हुआ था प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, और अब तीन दिनों से जब पेगासस स्पाईवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर जिसने ये क्लेयर किया कि वो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन गवर्नमेंट से डील करता है, तो सारे नेशनलिस्ट चैनल्स पर, कल तो प्रधानमंत्री जी का छाता था और आज मिस्टर कुंद्रा. खैर, फ्रांस की गवर्नमेंट ने रफेल की भांति इस पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की जांच भी प्रारंभ कर दी है. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की आशा बिल्कुल न करें, क्योंकि सरकार ने ठीक वैसे ही, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी क्योटो यात्रा में बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ जी ने कोरोना का अभूतपूर्व कुप्रबंधन जो किया था उसके लिए उन्होंने फुल मार्क्स मिले थे, ठीक उसी तरह सत्यवादी हरीशचंद्र की प्रतिनिधि सरकार के तौर पर सरकार ने किसी भी प्रकार की जासूसी से इनकार किया. लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, जुडिशियरी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जर्नलिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, इन सब की खुफिया जांच हो रही थी, और उसमें एक कारण भी है, टू फाइट क्राइम एंड टेरर. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जिस महिला ने उन पर आरोप लगाया, अगर उसके पूरे परिवार की जासूसी हो रही थी, तो ये किस प्रकार के क्राइम एंड टेरर की लड़ाई सरकार लड़ रही थी, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए. अगर सबसे पोटेंशियल टारगेट विपक्ष के लीडर श्रीमान राहुल गांधी जी और उनके 5 स्टाफ की जासूसी हो रही थी, तो क्राइम एंड टेरर से सरकार किस प्रकार लड़ रही थी, सरकार ये स्पष्ट करे. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उग्रवादी हैं और सरकार उनकी जासूसी कर रही थी, तो सत्ता अपने किन हितों को सिद्ध करने के लिए, अपने इस निम्न स्तर के किस कृत्य को साधने के लिए इतना धिक्कारपूर्ण कार्य कर रही थी? क्योंकि संविधान में तो पारदर्शिता की आशा होती है, और वह सरकार जो टॉप टू बॉटम दिन भर इमरजेंसी का एग्जाम्पल देती है, वो किस आधार पर देश की सुरक्षा या देश के लोगों की, देश के नागरिकों की, या क्या पारदर्शिता? ये तो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, पूर्णतया गैर कानूनी है. लेकिन शर्म निरपेक्ष सरकार जिसको लोक लाज नहीं है, जिसके लिए कोई नैतिकता आचरण नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जो इसके बाद भी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, जो ये स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि 2019 से 2021 के बीच गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए क्या कर्नाटका में, क्या ऑपोजिशन लीडर्स को, ये क्या है, ये डिक्टेटर अप्रोच है. इट इज़ वेरी क्लियर. 2013 में उस महिला की जो जासूसी स्नूपिंग गेट था, ये उसी गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को डैमेज करने की जो सरकार की स्ट्रैटेजिक अप्रोच अब तक रही है, उस इन्फ्लुएंस को उन्हें ट्रैप करने के लिए, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एलिगेशंस लगे, फिर वो राज्यसभा गए, मगर इस दौरान उन्होंने जिन विवादास्पद मुद्दों से जुड़े फैसले दिए, तो ये इतने मतलब किस दबाव के अधीन, कि किन हितों, किन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच तो बनती है. हालांकि अमित शाह जी आंतरिक मामलों के गृहमंत्री होने के नाते जिम्मेदार हैं, किंतु नैतिकता या इस्तीफे की आशा करना व्यर्थ है, किंतु प्रधानमंत्री जी भी स्पष्ट रूप से जांच के दायरे में आते हैं. तो सरकार में अगर ज़रा भी लोक लज्जा है या कोई संदेश भी देना चाहे, तो सरकार ये स्पष्ट अवश्य करे कि इस स्पाई सॉफ्टवेयर, इस पेगासस के लिए भुगतान भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया, या फिर किसी अन्यत्र देश द्वारा किया गया, या फिर इसका भुगतान भी नेहरू जी के द्वारा किया गया. तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए. थैंक यू.